हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू संध्या एंटरप्राइजेस यूट्यूब चैनल। प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन भी है। आज हम लोग बात करने वाले हैं केनबिया रबर के बारे में। केनबिया रबर का फाउंडर कौन है, आखिर वो कौन शख्स था जिसने हमारे लिए इतना मेहनत किया, परिश्रम किया, हार्ड वर्क किया। तो आज हम एनबीआर का जन्मदाता जो है एरिच कॉनराड बोलके हैं, और फर्स्ट टाइम जर्मनी से स्टार्ट होता है इसका जर्नी। तो इस सिंथेटिक रबर की जब बात आती है तो सिंथेटिक रबर की जब बात आती है तो जापान और जर्मनी का नाम आता है, इंडिया कहीं भी दिखता ही नहीं। 1930 में इंडिया ने 1931 में जर्मनी जब स्ट्रगल किया तो 1930 से 1931 में और 1935 तक पूरा प्रोडक्शन में आ चुका था। कौन सा प्रोडक्ट? कौन तो एरिच कॉनराड बोल करके था। तो इसके लिए एक आप लोग की तालियां हो जानी चाहिए जिसने हमको एनबीआर रबर को ला के दिया। क्लैप्स हो जाए। एनबीआर रबर का जो जन्मदाता है कौन है? एरिच कॉनराड, जो 1931 और 1935 तक पूरे प्रोडक्शन आ गया था एनबीआर रबर का। एनबीआर रबर जो है मिनिमम आपको मिनिमम हार्डनेस से लेकर मैक्सिमम हार्डनेस तक जाने के लिए सबसे सक्सेसफुल पॉलीमर है। जिस तरह से आपका हार्ट होता है ना, शरीर का सबसे अच्छा पार्ट होता है, इसके बिना हम जिंदा नहीं रख सकते, उसी तरह से एनबीआर के बिना कोई भी ऑटोमोबाइल सेक्टर नहीं चल सकता है। एनबीआर आप बोल सकते हैं कि एनबीआर इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉलीमर फॉर द ऑटोमोबाइल सेक्टर। चाहे आयल सील की बात आएगी, कोई भी सील बनेगा तो किस में बनेगा, कहाँ बनेगा? एनबीआर रबर से बनेगा। पेट्रोल आपको कोई भी इंजन को चलाने के लिए एनबीआर रबर चाहिए, पेट्रोलियम प्रोडक्ट को रन करने के लिए, एक दूसरी जगह से ट्रांसफर करने के लिए। तो आज उसी एनबीआर पे हम लोग बात करेंगे। कल का जो रेसिपी हमने देखा था कि एनबीआर में देखिए पॉलीमर, बहुत सारे पॉलीमर हम आपको बता चुके हैं, पीछे भी बता चुके हैं। तो पॉलीमर में क्या क्या होता है? एक तो पॉलीमर होता है, एक एडिटिव होता है, एक जो है कोई आपका प्लास्टिसाइजर होता है, प्रोसेसिंग एड होता है, एक ड्राई बॉन्डिंग केमिकल होता है, क्यूरेटिव होता है, वल्कनाइजिंग केमिकल होता है, एक बूस्टर होता है, एक एंटीऑक्सीडेंट होता है, एक एंटी डिग्रेडेंट होता है। अब देखिए कि सल्फर कितना इम्पोर्टेंट है एनबीआर रबर के लिए, जहाँ पर और पॉलीमर में एक क्यूरेटिव का काम करता है, लेकिन यहाँ पर एडिटिव और ये क्या काम करता है, एक्सीलेटर का काम करता है, एक्टिवेटर का काम करता है। किसको? एनबीआर में क्या सल्फर करता है? एक्टिवेटर का काम करता है। देखिए इसका आज हम जो वीडियो लेकर गए हैं कि मस्टिकेशन प्रोसीजर ऑफ द एनबीआर रबर, मस्टिकेशन प्रोसीजर ऑफ द एनबीआर, जोर से बोल लेगा, मस्टिकेशन प्रोसीजर ऑफ द एनबीआर रबर। एनबीआर रबर का फुल फॉर्म होता है नाइट्राइल बुटाडीन रबर, नाइट्राइल बुटाडीन रबर। बुना नाम का भी एक था जो जर्मनी में 1935 में
बनाया था, इससे उसका एक वर्ड आ जाता है बुना बुटाइडीन। ओके, तो देखिए जहां पे और पॉलीमर में फर्स्ट क्या करते हैं, जैसे कि आपको मस्टिकेशन प्रोसेस आपको बता रहा हूं, जैसे कि आप एनबीआर ले लिया फर्स्ट। ओके, फर्स्ट क्या लेते हो, एनबीआर, इसको मस्टिकेशन किया जाता है। मस्टिकेशन करने के लिए जिसको मिक्सिंग बोला जाता है, तीन प्रोसेस इंडिया में अडॉप्ट किए गए हैं। एक ओपन मिक्सिंग मिल में किया जाता है, एक नीडर में किया जाता है, एक बनबरी मशीन में किया जाता है। तो बनबरी मशीन सबके लिए पॉसिबल नहीं है, बहुत कॉस्टली रहता है, करोड़ों का उसमें लागत होती है। वहीं पर आपका नीडर में आपको ज़्यादा लागत नहीं होती है, उसमें 10-15 लाख लागत होती है। वहीं पर जहाँ मिक्सिंग मिल जो होता है, आपको 5-6 लाख की लागत में आ जाता है। तो जितने भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, वो आपको ओपन मिक्सिंग से और नीडर से ही काम करते हैं। तो फर्स्ट जब एनबीआर आप मिक्स करने जा रहे हो, तो फर्स्ट एनबीआर का एक बेल आता है 25 kg का। तो उसमें आपको बेल को पहले बेल कटर आता है, उसको छोटा छोटा पीस कट कर लिया जाता है, 1-1, 2-2 किलो का बेल पीसेस में, और फिर इसको ओपन मिक्सिंग मिल में डाला जाता है। इसको मस्टिकेशन किया जाता है, फर्स्ट कम से कम 5 मिनट तक उसको रोटेट किया जाता है मिक्सिंग के अंदर, या मीटर में करो या ओपन मिल में करो। जैसे मस्टिकेशन होता है, और इसको हम लोग क्या करते हैं, छोटा पतला सीट निकालते 2 mm 3 mm तक ऐसे मस्टिकेशन करके, देन इसमें हम फर्स्ट सेकंड क्या ऐड करते हैं, सल्फर ऐड करते हैं। एनबीआर में फर्स्ट सेकंड टाइप सेकंड जो होता है सल्फर ऐड किया जाता है, ठीक है। बाकी पॉलीमर में सल्फर जो है बाद में ऐड किया जाता है, ठीक है। सल्फर ऐड करने के बाद फिर आपको क्या ऐड करना पड़ता है, जिंक ऑक्साइड, ZnO, जिसको जिंक ऑक्साइड बोलता है। टोटली मेटालिक पार्ट होता है, और शायद ही ऐसा कोई पॉलीमर होगा जिसमें जिंक ऑक्साइड का जरूरत न हो, सब में डाला जाता है। जिंक ऑक्साइड जो होता है एक्टिवेटर है, एक्टिव करता है, क्या है, एक्टिव करता है। उस वहीं पर जहाँ पर एनबीआर में सल्फर एक्टिव कर रहा है कंपाउंड को, ठीक है। इसके बाद आपका आप क्या डालता है, स्टेरिक एसिड, ये भी एक आपका प्रोसेसिंग एंड और एक्टिवेटर है, क्या है, एक्टिवेटर है। इसके बाद आप क्या डालते हो, ये कम से कम 5 मिनट, इसके बाद सल्फर आप डालते हो, इसके तुरंत बाद आपको स्टेरिक एसिड डालते हो, ठीक है। स्टेरिक एसिड के बाद आप क्या करते हो, इसमें जो भी डालना है, ड्राई बाउंडिंग केमिकल डालना है, या एंटी ऑक्सीडेंट डालना है, एंटी डिग्रेडेंट डालना है, जैसे SP है, TDQ है, ZC है, TQ है, ये आप इसमें ऐड करते हो, ठीक है। ये ऐड करके आप यहाँ पर एडिटिव आप ड्राई एंटी ऑक्सीडेंट आप ऐड कर दिए, एंटी ऑक्सीडेंट एंटी डिग्रेडेंट ये सारे डालते हो। ये जैसे मस्टिकेशन होता है, फिर आपकी जरूरत पड़ती है, अब यहाँ पर आपकी नीड्स होती है वाइट फिलर या ब्लैक फिलर, जिसको रेनफोर्समेंट के नाम से जाना जाता है। जिसे आप ब्लैक बना रहे हो कंपाउंड, तो आप ब्लैक कार्बन डालोगे, अगर वाइट कंपाउंड या कलर कंपाउंड बना रहे हो तो वहाँ पे आप क्या डालोगे, सिलिका पाउडर डालोगे और कैल्शियम कार्बोनेट डालोगे। क्या डालोगे एनबीआर में, सिलिका पाउडर और कैल्शियम कार्बोनेट। इसका देखिए, और भी आप चाइना के लिए डालोगे या वो इधर उधर डालोगे तो इसका कॉम्बिनेशन सेट नहीं होगा, मर्ज नहीं होगा, ठीक है। तो सिलिका पाउडर इस फिश में डालेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट डालेंगे, जिसको हम लोग व्हाइट रेनफोर्समेंट के नाम से जानेंगे। क्या डाल देंगे, व्हाइट रेनफोर्समेंट, जोर से बोलो, व्हाइट रेनफोर्समेंट के नाम से इसको डाला जाता है, रेनफोर्समेंट, राइट। जैसे व्हाइट रेनफोर्समेंट डालेंगे, उसके बाद अब आपको जब अब उसको साथ मस्टिकेशन के लिए आपको जरूरत पड़ेगी प्रोसेसिंग प्लास्टिसाइजर की जरूरत पड़ेगी, प्लास्टिसाइजर प्रोसेसिंग एड, मतलब कि आपको DOPIL डालना पड़ेगा उसको प्रॉपर ढंग से मिलाने के लिए, नहीं तो पाउडर उसमें मिक्स नहीं होगा, रेनफोर्समेंट जो है उसके अंदर मिक्स नहीं होगा। तो आपको उसमें थोड़ा थोड़ा पाउडर डालते हो, थोड़ा ऑयल डालते हो, पाउडर डालते हो, ऑयल डालते हो, मस्टिकेशन होते रहता, मिक्सिंग होते रहता, उसके पार्टिकल मिलते रहते हैं।
तो देखिए कैल्शियम कार्बोनेट आपने डाल दिया, सिलिका पाउडर डाल दिया, उसमें डीज भी डालते हो जो वे भी एक आपका एक्टिवेटर है और सिलिका का क्यूरेटिव है। इसके बाद आपको उसमें कुछ प्रोसेसिंग ऐड बोले तो जैसे कि आपका तो पैराफिनिक वैक्स डालते हो, इसके बाद अगर ड्राई बॉन्डिंग केमिकल डालना है तो उसमें और भी सीआई रेजिन डालते हो, 1845 डालते हो या 1820 1870, बहुत सारा इसमें ड्राई बॉन्डिंग केमिकल होते हैं जो बॉन्डिंग को देकर कंपाउंड के मतलब एक पार्टिकल को बांध के रखते हैं। इसके बाद आपका ये सारे प्रोसेस होने के बाद आप फिर अगर कलर कंपाउंड आप बनाते हो तो फिर आप पिगमेंट डालते हो, टिटानियम डालते हो, ठीक है। ये प्रोसेस होने के बाद सारे प्रोसेस होने के बाद आप इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मास्टर बैच, क्या बोलेंगे, मास्टर बैच, ओके। इसको पूरा कंपाउंड होने के बाद कम से कम 8 mm या 10 mm थिकनेस में आप शीट को ड्रॉ करके कूलिंग वाटर में कूल करके आप एयर कंडीशन रूम में उसको स्टोर कर देते हो। स्टोर करने के बाद कम से कम मिनिमम 24 आवर्स के बाद ही उस कंपाउंड को आपको प्रोडक्शन में लेना है। यह आपका प्रोसीजर है। अभी आपने इस मास्टर बैच को बना दिया, उसको मार्किंग करके रख दीजिए, मार्किंग 100-100 बैच है। इसके बाद जो जो दो क्यूरेटिव जो आते हैं, जैसे इसमें TMT और MBTS जो डालने वाले हो आप, जब जब भी आपको प्रोडक्शन में बैच को सप्लाई देना है तब फिर आपको उसको वेट करके उसके रेसिपी के हिसाब से आप मास्टर बैच में कितना क्यूरेटिव कितना PHR डालना है मास्टिगेशन करके फिर आपको एक्सट्रूडिंग करना एक्सट्रूडिंग कर लीजिए, मोल्डिंग करना मोल्डिंग कर लीजिए। देखिए बहुत सारे प्रॉब्लम और प्रॉपर्टी का नहीं आना ये आपके लिए बहुत ही, देखिए आप दाल बनाते हो घर में या कुछ भी खाना बनाते हो, गर्म गर्म खाओगे तो आपका टेस्ट नहीं आएगा, ज़्यादा ठंडा भी हो जाने के बाद आपको टेस्ट नहीं आएगा। एक उसका सिस्टम होता है कि इतने टाइम के बाद ही इतने उसको खाना चाहिए। उसी तरह से आपका जो ये मास्टर बैच है कम से कम 24 आवर्स तक उसको छोड़ देना है। सेम डे में अगर सेम टाइम में आप मास्टिकेशन करते हो तो आपको कम से कम 10-15% का आपका जो है डिविएशन आएगा, वेरिएशन आएगा फिजिकल प्रॉपर्टी में। जितना आपको मान लीजिए हार्डनेस आप एक्सपेक्ट किए हो, मान लीजिए कि आप 40 हार्डनेस एक्सपेक्ट किए हो, लेकिन आप सेम टाइम में अगर आप मास्टिकेशन करके प्रोडक्ट बनाने जाओगे तो आपको 40 हार्डनेस नहीं मीट होगा, क्योंकि उसके अंदर पोरोसिटी रहेगी, पोरोसिटी रहेगी उसको। इसके बाद आपका टेंसाइल भी जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो डिजाइन की, इतना टेंसाइल आनी चाहिए, टेंसाइल प्रॉपर्टी भी नहीं आएगी। आप इलोंगेशन जो आप सोचे हो कि इतना इलोंगेशन आएगा, सब सेम डे में आपको इतनी इलोंगेशन नहीं आएगी। तो मास्टर बैच को हम जितने बार बेहतर ढंग से टाइट निप करके उसको हम मिक्सिंग करते हैं और प्रॉपर ढंग से उसमें क्यूरेटिव मिलाते हैं तो आपको कितना परसेंटेज का चेंजिंग हो जाता है रिजल्ट, 10-15% आपका रिजल्ट को इंक्रीज हो जाता है। जैसे सपोज मान लीजिए आज आपका मान ये 12 MPa आया है टेंसाइल स्ट्रेंथ और इलोंगेशन मान लीजिए कि 420% आया है, तो मेरा मानना है कि मेरा जो एक्सपीरियंस है सेम कंपाउंड को आप एक दूसरे दिन भी मास्टिगेशन करके फिर उसको आप स्लैब टेस्ट स्लैब बनाते हो तो आपकी रिजल्ट कहाँ तक पहुँच जाएगी, 16-17 MPa तक पहुँच जाएगी, वही वो 420 जा पता 500 तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो ये वीडियो में आपको कैसा लगा, आपने क्या देखा क्या समझा, तो देखिए मैं मिथिलेश चौधरी आपको हेल्प करना चाहता हूँ। तो हेल्प करने के लिए आपको क्या करना, हेल्प लेने के लिए आपको क्या करना होगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, उसमें कांटेक्ट में जा करके आपको कुछ क्या प्रॉब्लम है, आप क्या फेसिंग कर रहे हो, आप अगर इंडस्ट्रियल हो या स्टूडेंट हो या किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो आप रबर के साथ क्या फेसिंग करने जा रहे हो, क्या दिक्कत आ रही है,
तो आप हमें कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉन्टेक्ट करोगे, हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9550921831। लेकिन देखिए हम प्रॉब्लम आपका बताएंगे, आपके बैठे बैठे देखिए आज डिजिटल मार्केटिंग है, अगर आप एक केमिस्ट रखते हो तो कम से कम उसको 50,000, 60,000, 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000 तक आपको सैलरी देकर रखने पड़ेगी, उसको रिकमेंडेशन देना पड़ेगा, रूम देना पड़ेगा, आने जाने के लिए फोर व्हीलर देना पड़ेगा, और आप कितना का आपका बेनिफिट हो जाएगा। इसलिए कम खर्चा में आप अपने कंपनी को रन करना चाहते हैं तो एक ही है कि एक ही बनता है जो आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, उसका नाम है मिथिलेश चौधरी, जो आज 26 इयर्स का एक्सपीरियंस के साथ रॉ मटेरियल से लेकर के लेबोरेटरी से लेकर के R&D तक का जो काम करके बहुत कंपनियों को दिया है और आपके अभी हेल्प करने के लिए रेडी है। लेकिन आपको उसके लिए हर एक रेसिपी पर, हर एक कंपाउंडिंग पर, हर एक फॉर्मुलेशन के साथ आपको एक मिनिमम फीस पे करना होगा। मेरा जो है जी पेमेंट और गूगल पेमेंट नंबर है, नंबर रहेगा 9550921831। और फीस कितना होगा डिसाइड मैं करूँगा, आपको कॉन्टेक्ट करने के बाद ही पता चलेगा। इसके साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।